हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार यूनिक स्टडी सेंटर में, एक कदम सफलता की ओर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे क्या लुईस स्ट्रक्चर के बारे में ना, कि लुईस संरचना क्या होती है। हमने देखा कि हम किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए। फिर बात करें तो हमने कुछ कहे तो रूल बताया था सेंट्रल एटम को चूज करने के लिए, उसके बाद टर्मिनल एटम को चूज करने के लिए, है ना, उसी में लुईस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो उसमें हमने देखा था किस तरीके से हम सेंट्रल एटम यानी जो केंद्रीय परमाणु होता है उसको किस तरीके से हम सिलेक्ट करते हैं। फिर उसमें हमने देखा सिलेक्ट करने के बाद किस तरीके से हम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, यानी जो कैलकुलेशन में हमने टोटल इलेक्ट्रॉन निकाले थे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, वो जो होते हैं उनको हम किस तरीके से अपने सेंट्रल एटम को देते हैं, किस तरीके से हम देते हैं टर्मिनल एटम को, है ना, इन सब के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में देखा। और हमने पिछले वीडियो में कुछ दो तीन एग्जांपल पे चर्चा भी की थी, जिसमें बात करें तो हमारे एग्जांपल हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल भी देखा था, यानी हमने हाइड्रोजन के लिए भी लुईस स्ट्रक्चर बनाया था, है ना, यानी लुईस संरचना को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए बनाया था। हमने दूसरा बनाया था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए बनाया था। यानी ये दो एग्जांपल्स हमने लगाए थे। अब चलिए हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला एग्जांपल होने वाला है O2, तो हमने बना लिया। अगला एग्जांपल हमारा होगा मान लीजिए O3, यानी कि ये सिंबल O3 हमको बनाना है इसका एग्जांपल, यानी कि इसका लुईस स्ट्रक्चर हमको बनाना है। तो बताएं, तो हमने कल बताया था कि सबसे पहले किसी स्ट्रक्चर बनाने के लिए यानी किसी मॉलिक्यूल या किसी आयन का जब हम संरचना बनाते हैं तो उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरत होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, है ना। कैलकुलेशन में तीन टॉपिक बताए थे किन की जरूरत होगी। देखिए, सबसे पहले हमने बताया था हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो इसको हम किससे दर्शाते हैं, क्यू से। हमने क्यू से दर्शाया था, आप किसी से भी दर्शा सकते हैं उसको। तो इसके लिए क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, O3, यानी कि तीनों एटम्स यानी तीनों परमाणु सेम है, इसका मतलब एक परमाणु में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ठीक उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेष दोनों परमाणुओं में भी होंगे, है ना। देखिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन का होता है कितना होता है, 2 और 6। ठीक है, यानी पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी अगर एक ऑक्सीजन परमाणु में 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बाकी बचे हुए 2 में कितने होंगे, यानी कि टोटल कितने हैं, 3, यानी 6+6 और +6, तो बराबर करके कितना आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। लिख देते हैं, देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हमको क्यू, तो टोटल कितने आए, 6, 6, 12 और 6, 18। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन टोटल हुए जो कि हमें जरूरत है स्ट्रक्चर को बनाने में। ठीक है, अब हम क्या बताया था हमने, दूसरी बात हमने बताई थी कि हम निकालेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने मिल करके बॉन्ड का निर्माण किया है, तो क्या कहेंगे हम कहेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या कह सकते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहें, या फिर हम कहें कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर दूसरा होगा, बॉन्ड पेयर निकालने के बाद ही हम लोन पेयर निकाल पाएंगे, इसलिए पहले बॉन्ड पेयर निकालते हैं। तो इसके लिए क्या बताया था मैंने, इसके लिए फॉर्मूला था 2 और गुणा करेंगे किसका, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अब नंबर ऑफ बॉन्ड्स के लिए किस तरीके से देखेंगे, तो हमने बताया था कि जितने भी एटम हो सभी को एक एक बॉन्ड के द्वारा जोड़ दीजिए। तो देखिए हम बनाते हैं एक ऑक्सीजन एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम, मान लीजिए हम तीसरा कहीं पे बना दे कोई दिक्कत नहीं हमको। ठीक है, तीनों ऑक्सीजन एटम हो गए, क्या कहा था कि इनको बॉन्ड से जोड़ देंगे हम, एक एक बॉन्ड, एक बॉन्ड इससे बना दिया, एक बॉन्ड इससे बना दिया, तो कहने का मतलब कितने बॉन्ड बन गए हमारे, इसको बराबर दूरी पे लिखेंगे, ठीक, क्योंकि सेम चीजें हैं। तो ठीक, तो अब हमारे बॉन्ड कितने हो गए, टोटल बॉन्ड हमारे पास हो गए 3, यानी कि 2, तो 2 बॉन्ड हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस बॉन्ड में जो यूज हुए हैं, बताइए, 2 बॉन्ड हुए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे जो इसमें यूज हुए हैं, कहने का मतलब बॉन्ड 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड से हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए
दो और गुणे दो, यानी कि टोटल आ गए चार इलेक्ट्रॉन, है ना, चार इलेक्ट्रॉन आए जो कि यूज हुए बॉन्डिंग में। अब बचे हमारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए क्या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो फॉर्मूला था क्या कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन घटा देंगे तभी तो हमको मिलेगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या फॉर्मूला था, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए निकालेंगे इसको, तो कितना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 4। तो बात करें तो हमारे पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए, 14 इलेक्ट्रॉन, है ना, 18 से 4 घटाया हमने तो आए 14। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 14 इलेक्ट्रॉन हैं ये हमारे हैं लोन पेयर और ये हमारे बॉन्ड पेयर और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। तो इतना आने के बाद अब बात करें कि अब हमने बताया था कि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आएंगे इसको हम दो रूप में यूज करेंगे, दो जगहों पे इसका यूज करेंगे। पहला क्या बताया था, पहला हमने बताया था कि हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम इसको लोन पेयर के रूप में एडजस्ट करें। तो क्या दो तरीका था इसका, एक था लोन पेयर के रूप में यानी लोन पेयर बनाएं, और दूसरा तरीका था यानी पहले लोन पेयर बनाने की कोशिश करेंगे उसके बाद बनाएंगे हम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो पहले हम देखें लोन पेयर क्या, लोन पेयर बनाने से इनके जो टर्मिनल एटम्स हैं उनका ऑक्टेट यानी उनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं या नहीं पूरे होते हैं। अगर वो पूरे हो गए तब तो ठीक है, अगर नहीं पूरे होते हैं तब हम बनाएंगे किसको, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले उन 14 इलेक्ट्रॉनों को उठा के इनमें भरते हैं कि किस तरीके से हम इसको पूरा करें। तो देखिए पहले हमने कहा था कि सबसे पहले हम ऑक्टेट किसका पूरा करते हैं, सेंट्रल एटम की तरफ नहीं जाते हैं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि सेंट्रल एटम के ऑक्टेट को हम तोड़ भी सकते हैं यानी नेगलेक्ट भी कर सकते हैं ऑक्टेट रूल को सेंट्रल एटम के लिए। लेकिन जो टर्मिनल एटम होंगे हमारे, ये दोनों टर्मिनल एटम है, जो टर्मिनल एटम हमारे होंगे उनके लिए ऑक्टेट रूल का पूरा होना अति आवश्यक है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले टर्मिनल एटम के लिए ऑक्टेट रूल पूरा करते हैं। तो इसके पास अभी कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और दो, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, एक यहां का और एक यहां का, क्योंकि ये साझा हुआ है तो ये गिना जाता है सभी के साथ। तो ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर के रूप में हम इसमें बांटते हैं। तो चलिए पहले बांटते हैं 2, 2, 4, 2, 6। अब इसका स्टेप पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ये और 2 ये, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब चलिए इसके पास चलते हैं, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, 2 है इसके पास, 2, 4 और 2, 6, साथ में 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 6 और 2, 8, और इसके पास भी 6 और 2, 8, और कितने इलेक्ट्रॉन हमने यूज किए 14 में से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, यानी कि 6 यहाँ और 6 यहाँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने जो यूज किए हैं वो है 12, है ना, 12 के बाद अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉनों को हम फिल करते हैं सेंट्रल एटम के पास। तो चलिए लोन पेयर है तो लोन पेयर बनाते हैं सेंट्रल एटम के पास, लोन पेयर बना सेंट्रल एटम, ठीक है। तो अब देखिए गिनते हैं क्या 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पूरा हो गए, जो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेष बचे थे लोन पेयर के लिए वो कंप्लीट है। देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14 पूरे। क्या ये स्ट्रक्चर सही है, लग रहा है कि ये O3 की संरचना सही है, आपको कहीं देखा है ऐसा, ठीक। तो आप बात करें ये सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, क्योंकि आप रूल को याद करें तो हमने कहा था कि जब हम टर्मिनल एटम का ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं तब हम चलते हैं सेंट्रल एटम की तरफ, और सेंट्रल एटम के लिए जो ऑक्टेट रूल होता है उसको हम तोड़ सकते हैं। लेकिन तोड़ने का मतलब क्या था कि कम नहीं होंगे, यानी 8 इलेक्ट्रॉन से कम ना हो करके ये 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक रखेगा, है ना, यही कहा था कि 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक रख सकता है लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं रख सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इस वक्त इसके पास हैं, देखिए 2, 2, 4 और 2, 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हैं 6, ठीक है। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको और देने हैं हमको, 2 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम इनको देंगे कैसे, बात आई 2 इलेक्ट्रॉन दे कैसे। तो हमने बताया यही जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसी के थ्रू ही हम उन 2 इलेक्ट्रॉनों को इसको दे सकते हैं। तो चलिए किस तरीके से, मान लीजिए इसको हम हटा देते हैं, ये लोन पेयर हमने हटाया और यहां पे बना दिया एक बॉन्ड,
यहाँ पे हमने बना दिया एक बॉन्ड, ठीक है, एक बॉन्ड बना। तो इससे क्या हुआ, देखिए क्या अब अष्टक पूरा हुआ सभी का, देखेंगे हम इसके, इसको छोड़ते हैं, इसका तो अष्टक पूरा पहले से ही। यहाँ पे देखिए दो दो चार, दो छह और दो आठ, क्योंकि ये साझे वाले इलेक्ट्रॉन भी तो इसी के साथ गिने जाते हैं, जिनका साझा होता है उनके साथ इलेक्ट्रॉनों को गिना जाता है पूरा पूरा। इसका मतलब दो दो चार और चार आठ, इसका अष्टक पूरा है। और फिर इसके अष्टक की बात करें तो दो दो चार और चार आठ, यानी इसका अष्टक भी होता है पूरा आठ इलेक्ट्रॉनों का, है ना, अष्टक पूरा हो गया। लेकिन अब हम बात करें तो हमको एक चीज और निकालनी है अभी। भले यहाँ पे चार्ज नहीं दिया गया है, क्यों, क्योंकि ये कौन सा चार्ज था, ये चार्ज था हमारा, बात करें तो नेट चार्ज, नेट चार्ज इस मॉलिक्यूल पे जीरो है नेट चार्ज। जबकि हमने एक और चार्ज के बारे में भी पढ़ा है, मतलब अपने पिछले वाले वीडियो में हम एक और चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है, फर्मल आवेश, यानी कि फर्मल चार्ज। तो हम निकालेंगे फर्मल चार्ज किस पे, तीनों एटम्स पे, क्योंकि कोई सामान तो है नहीं, इसलिए तीनों एटम्स पे हम फर्मल चार्ज की गणना करेंगे। तो चलिए फर्मल चार्ज निकालते हैं। तो उसके लिए हम नामकरण कर देते हैं किसी किसी का, यानी सभी का नामकरण कर देते हैं। मान लीजिए इसको हमने मान लिया फर्स्ट, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा सेकेंड आइटम है, और इसको मान लेते हैं ये हमारा तीसरा आइटम है, ठीक है, ये हमने माना ये हमारा तीसरा आइटम। अब हम फर्मल आवेश की गणना करेंगे सभी के लिए। तो पहले फर्स्ट आइटम के लिए फर्मल आवेश, चलिए फर्स्ट के लिए फर्मल चार्ज। तो फर्मल चार्ज के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, हमने बताया था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी इस एटम में जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो, जिसको हमने सिंबल दिया था V, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर हमने कहा था हम घटाएंगे किसको, हमने कहा था वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम घटाएंगे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ना, हमने कहा था वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन घटाएंगे, यानी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है वो उसके पास, लेकिन अब उसमें से हम घटाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमने कहा था एल और माइनस बी के बटे टू, ये फार्मूला था फॉर्मल चार्ज के लिए। यानी कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हम घटाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जितना उसके पास है लुईस स्ट्रक्चर में, फिर जितने बॉन्ड उसने बनाए हैं उसके, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है उसके बटे में दो, ठीक है। तो देखिए ये कौन सा है, पहले आइटम के लिए है ना, तो देखिए पहले आइटम के लिए है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यही होंगे इसके पास, जब ये न्यूट्रल आइटम होगा, यानी न्यूट्रल है तो विलयित आइसोलेटेड परमाणु होगा, तब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखिए यही तो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना, देखिए छह इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से घटाएंगे किसको, हमने बताया था इसमें से हम घटाएंगे किसको, घटाने के लिए ये हमारे पास होगा माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसके पास कितने हैं, कब, जब लुईस स्ट्रक्चर बना हुआ है तब इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, दो दो चार और दो छह, छह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे घटाएंगे इसमें से छह, देखिए छह हुआ। और फिर बात करें तो अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घटाना है, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्डिंग की है उस इलेक्ट्रॉन को घटाना हमको, देखिए माइनस, अब देखिए बॉन्ड इसने कितना बनाया पहले, तो इस एटम ने बॉन्ड एक बनाया है, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉनों की यूज हुआ है, एक बॉन्ड को बनाने में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का यूज हुआ है, दो, यहाँ पे दो के बटे में दो, यानी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो दो है और बटे में दो, तो सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल, वन बचा, यानी कितना आया, सिक्स माइनस वन, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस वन, है ना, माइनस वन आया। इसका मतलब कि अब ये जो चार्ज होगा इस एटम पे वो माइनस वन होगा, तो कह सकते हैं हम कि इस पे चार्ज हम लगा सकते हैं कितने का, माइनस वन का, ठीक है, ये चार्ज है माइनस वन का, यानी कि इस पे एक निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, इस पे एक निगेटिव चार्ज आ गया। अब बात करें इनके पास चार्जेज के लिए, है ना, इनके पास भी क्या चार्जेज होंगे किसी के पास, तो चलिए ये पहले के लिए था, अब इसी तरीके से हम निकालते हैं दूसरे के लिए। दूसरे के लिए निकालते हैं, तो दूसरे के लिए हमने लिखा फॉर्मल चार्ज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वही फार्मूला याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब इसको देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, वही छह ही होंगे इसके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, सिर्फ एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और कोई लोन पेयर है नहीं ना, सिर्फ ये वाला एक लोन पेयर है,
तो कह सकते हैं एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब बॉन्ड कितने इतने बनाया है, देखिए दो बॉन्ड यहाँ एक यहाँ, यानी कि तीन बॉन्ड, तो तीन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन यूज कितने हुए हैं, छह, तो इसका मतलब माइनस छह के बटे में दो, यानी दो तिहाई छह, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा तीन, तो मतलब छह और माइनस दो और माइनस तीन, यानी माइनस दो है और है माइनस तीन, तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा हमारे पास छह माइनस पांच यानी कि बराबर वन, तो हम कह सकते हैं ये वन आया चार्ज, यानी एक चार्ज आया है इसके पास, है ना, एक चार्ज, तो ये एक चार्ज पॉजिटिव है, निगेटिव चार्ज तो है नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो कहने का मतलब इस सेकेंड वाले एटम पे हमको एक पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, तो क्या चार्ज इसको लगा देते हैं एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ इसके पास। अब बारी है इसकी, क्या इसके पास कोई चार्ज आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो तीसरा वाला एटम है, यहां पे लिख देते हैं, देखिए तीसरे के लिए है फॉर्मल चार्ज, वही V माइनस L और माइनस B के बटे में दो, तो देखिए कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन वही छह और माइनस, माइनस हुआ तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, दो और दो चार, यानी कि जो नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है वो है चार। अब इसमें से घटाते हैं क्या, बॉन्ड में कितने इसने बनाया है, कितने बॉन्ड बनाए हैं, मात्र दो, और दो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का यूज कितना हुआ है, दो दो चार, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ है, तो चार के बटे में दो होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दो, इसका मतलब कितना आया, सिक्स माइनस फोर और माइनस टू यानी कि जीरो, तो जीरो आया ना, किसके लिए, ये चार्ज आया है इसके लिए, ठीक है, यानी तीसरे वाले आइटम के लिए, तो तीसरे वाले आइटम पे चार्ज जीरो है, तो जीरो लिखें या ना लिखें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, है ना, और ये चार्ज नहीं है, लेकिन क्या ये ठीक है, बताइए ये कंप्लीट हो गया, लूस स्ट्रक्चर ये है, लेकिन क्या ये इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखना सही रहेगा, देखिए घेरा बना देते हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर को लिखना सही होगा, क्या लगता है आपको, क्या ये सही हो सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जब यहां पे कोई चार्ज नहीं दिखाया गया है तो यहां पे भी कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, अब नहीं होना चाहिए मतलब एक चीज और, आप ये मत समझ लीजिएगा कि ये इसकी आकृति है, मतलब ये इसकी ज्यामिति नहीं है, O3 मॉलिक्यूल जो पाया जाता है उसकी आकृति ये नहीं है, हमने बताया कि लुईस स्ट्रक्चर ज्यामिति के बारे में चर्चा नहीं करता, मतलब ज्यामिति को बहुत सही से नहीं बताता है, ठीक है, इसको जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे तब हम इसका स्ट्रक्चर जान पाएंगे, मतलब इसकी आकृति, इसकी ज्यामिति हम तब जान पाएंगे, ठीक, तो अभी इतना ही ध्यान रखें कि ज्यामिति नहीं, सिर्फ ये बताता है कि हाँ इनका अरेंजमेंट किस तरीके से होगा, यानी एक पिक्चर सिर्फ देता है कि हाँ मॉलिक्यूल किस रूप में जुड़े होंगे, तो ये हुआ, तो इसका जो कहें तो परमानेंट स्ट्रक्चर या सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा इन चार्जेज को हटा करके, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि ये जब बनाए जाते हैं, मतलब ये जब लिखे जाएंगे तो इन पे कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इनका जो अलजेब्रिक सम होगा इनके चार्जेज का वो जीरो हो रहा है ना, क्योंकि एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों मिलकर के जीरो, तो कह सकते हैं कि जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो देखिए कैसा बनेगा, वो बनेगा इस रूप का, और इसमें लोन पेयर इसको भी दिखा देते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन भी दिखा देते हैं इसमें कितने कितने लोन पेयर के साथ, ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास और इसके पास देखिए कितने, दो लोन पेयर हैं, और इसके पास है कितने, तीन लोन पेयर, ठीक है, तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर होगा किसका, O3 का, है ना, मतलब O3 का स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो वो यही होगा, और ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है इसकी तुलना में, ये स्ट्रक्चर बेस्ट ना हो करके ये वाला स्ट्रक्चर सबसे बेस्ट है, आप इसको बना सकते हैं O3 के लिए, ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर है ये किसका, O3 का, तब हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक, उसका भी स्ट्रक्चर हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, ठीक है, कंप्लीट, अब इसको साफ करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपना अगले एग्जांपल की तरफ, अगला एग्जांपल हमारा कौन सा होने वाला है, तो चलिए देख लीजिए आप लोग फिर से, ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे अगले एग्जांपल की तरफ, जो अगला एग्जांपल हमारा होगा, तो आइए दिखाते हैं कौन सा अगला एग्जांपल हमारा होने वाला है, तो
तो देखेंगे हम अपना अगला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल तो हमारा हो गया O3 के लिए हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारा होगा NF3। ठीक है, मान लेते हैं NF3 हमारा अगला एग्जाम्पल। ठीक है, NF3 हमारा एग्जाम्पल हुआ। तो बात करें, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं इसमें। ठीक है, जिसको क्यू से दिखाते हैं, सबसे पहले आप यही काम करेंगे, उसके बाद ही कोई दूसरा काम होगा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। चलिए, एन के लिए कितने होते हैं और एफ के लिए कितने होते हैं। ठीक है, तो एन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका मतलब इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 और 5, यानी कि 2, 5, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वैलेंस सेल हमारा कौन सा है, वैलेंस सेल हमारा ये है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन। और एफ के लिए कितना होता है, 2, 7, ये होता है ना, यानी 7, 2, 9। तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 7। तो कहने का मतलब अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम, तो देखिए क्या निकलेगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक नाइट्रोजन का है तो नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। तो हम कह सकते हैं इसको निकालेंगे हम, 5 हुआ, यानी कि 5 के बाद अब 3F है, 1F में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है ना, 1F में हमारे पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसलिए अब 3F होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्लस 3 × 7। तो कहने का मतलब टोटल कितने होंगे, 7 × 3 = 21 और 5 मतलब 5 + 21 तो बराबर करके 26, यानी कि टोटल 26 इलेक्ट्रॉन हुए, है ना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 हुए। यहाँ पे लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग भूल जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए हमारे पास 26। अब बात करें तो अब बारी आएगी ना कि हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो अब बॉन्ड बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको देखना होगा कि सेंट्रल टर्म हम किसको माने। तो सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं फर्स्ट रूल। तो हमने बताया था लिस्ट नंबर है ना, कि लिस्ट नंबर है कितना, तो लिस्ट नंबर किसका होगा, एन का, यानी नाइट्रोजन लिस्ट नंबर में है। अगर ये भी ना याद हो तो एक पॉइंट और हमने लिखा था कि एफ और एच, यानी कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इनको हम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं मानते हैं, यानी कि इनको केंद्रीय परमाणु हम कभी भी नहीं मानेंगे, है ना। देखिए, कहने का मतलब ये सेंटर में कभी नहीं होंगे, हम सेंटर में हमेशा दूसरों को रखेंगे, एच और एफ को नहीं रखेंगे। तो चलिए सबसे पहले सेंटर में उसको रख देते हैं, किसको, नाइट्रोजन। फिर अब हमको बॉन्ड बनाना है, तो हम कहीं भी 3 बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि एफ 3F है, तो 3F को हमसे जोड़ना होगा। देखिए, 1F यहाँ पे, 1F यहाँ पे बनाते हैं और 1F बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी बना सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है आपके लिए। चलिए, एक यहाँ पे है और 1 यहाँ पे बना देते हैं। ओके, अब क्या कि हमने कहा कि एक एक बॉन्ड हम सभी से बना लेंगे, तो चलिए बॉन्ड बनाते हैं, 1 बॉन्ड यहाँ पे 1 बॉन्ड यहाँ पे और 1 बॉन्ड यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 × बॉन्ड कितने बने हैं, 1, 2 और 3, यानी कि 3 बॉन्ड। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन ये होंगे बॉन्ड जिन्होंने बना लिया। अब बारी आएगी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना, 26, और माइनस होगा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितना, 6 हुआ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी 20 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ किसके लिए, लोन पेयर के लिए। तो 20 इलेक्ट्रॉनों को हमको इसमें बांटना होगा, है ना। तो चलिए चलते हैं, 20 इलेक्ट्रॉन बांटते हैं। तो देखिए, इन 20 इलेक्ट्रॉनों का यूज हमको करना कैसे है पता है, इन 20 इलेक्ट्रॉनों के यूज के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इनका यूज हम करें 2 रूप में। पहला रूप होगा लोन पेयर के लिए, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, और दूसरा यूज होगा हमारा सेकेंड और, यानी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम यूज करते हैं, यानी कि लोन पेयर बनाते हैं। तो लोन पेयर भी बनाएंगे, लेकिन पता है कि लोन पेयर बनाने के लिए भी हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले टर्मिनल एटम्स के लिए लोन पेयर क्रिएट करें। तो चलिए लोन पेयर इसके लिए क्रिएट करते हैं, और अष्टक भी पूरा होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 यहाँ 4 और 2 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके लिए पूरा करते हैं, ये भी टर्मिनल एटम है, 2 2 4 और 2 6 हुआ। फिर बात करते हैं ये वाला, तो
तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, दो दो चार और दो छह। अब देखिए क्या सभी टर्मिनल एटम्स के अष्टक पूरे हुए, छह ये और ये दो यानी कि आठ, इसके लिए छह और दो आठ, इसके लिए भी छह और दो आठ यानी कि आठ अष्टक तीनों के पूरे हो गए। अब क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन और बचा, देख लेते हैं यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, छह छह बारह और छह अठारह, यहाँ पे कितने हैं बीस, यानी कि है तो यहाँ पे बीस इलेक्ट्रॉन लेकिन अठारह हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। अब अठारह कम्प्लीट होने के बाद हमें दो इलेक्ट्रॉन को और कम्प्लीट करना है, और दो इलेक्ट्रॉन कम्प्लीट कैसे होंगे, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन दे करके, यानी सेंट्रल एटम के लिए लोन पेयर बना देते हैं हम। तो कहने का मतलब सेंट्रल एटम को हमने एक लोन पेयर दे दिया, तो इसका मतलब 20 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, जो लोन पेयर के लिए हमको पूरा करना था 20 इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है। अब उन 20 इलेक्ट्रॉनों को पूरे हो गए हैं, अब हमको देखना है कि चार्ज क्या किसी पे चार्ज होगा कोई, और देख लेते हैं इसका भी अष्टक पूरा हो गया है ना, इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, देखिए कैसे दो और ये वाला दो चार, ये वाला दो छह और ये दो आठ, कहने मतलब इसके पास भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, है ना, आठ इलेक्ट्रॉन हमको पूरे करने, तो आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए पूरे। अब क्या ये स्ट्रक्चर सही हो गया, आज चार्ज भी निकाल सकते हैं सभी एटम्स पे चार्ज, यानी फॉर्मल आवेश, टोटल तो चार्ज कोई है नहीं लेकिन फॉर्मल आवेश आप निकाल सकते हैं, कैसे, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने सात, सात में से घटाएंगे कितना एक इसको, यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे छह, सात में से छह घटाया बचा एक, उसके बाद हमने कहा था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बटे में दो, तो बॉन्ड कितने हैं, एक बॉन्ड इसने बनाया तो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन दो के बटे दो, यानी कि एक, देख लेते हैं, देखिए जल्दी जल्दी से फॉर्मल चार्ज तो क्या था, V माइनस L माइनस B के बटे में दो, यही था हमारे फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्लोरीन के पास सात, माइनस लोन पेयर कितने इलेक्ट्रॉन कितने दो, दो चार दो छह, छह माइनस बॉन्ड इसने कितने बनाए हैं एक, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन के जो है दो, तो इसका मतलब दो के बटे में दो, तो ये कटा एक हुआ, तो कहने मतलब सात माइनस छह माइनस एक बराबर जीरो हुआ, कट गया, यानी जो चार्ज आया वो आया जीरो, अगर एक एफ पे जीरो आया तो इस पे भी वही, इस पे भी वही, क्यों, क्योंकि सब सेम है, सभी ने एक एक बॉन्ड बनाया और तीन तीन लोन पेयर के साथ है, ठीक है, इसका जीरो हो गया। बात करें इसके लिए कि क्या, इसके लिए कितना चार्ज होगा, देखिए नाइट्रोजन के लिए चार्ज, नाइट्रोजन के लिए तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं पांच, तो मतलब फाइव माइनस लोन पेयर कितना एक, तो एक में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फिर बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है दो, दो चार दो छह, यानी कि माइनस छह के बटे में दो हुआ, क्योंकि बी बाई टू होता है ये फॉर्मूला। अब कट गया, ये हो गया तीन और तीन, देखिए कितना बना फाइव माइनस टू माइनस तीन यानी कि जीरो हुआ ना, फिर से चार्ज जो आया वो जीरो आया, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है ये, किसका एनएफ थ्री का, ये एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर है ना, देख सकते हैं आप, ओके। चलिए अब अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगला कौन सा एग्जांपल है, जब तक आप आठ दस लगाएंगे नहीं तब तक आने वाला नहीं अच्छे से, ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, तो चलिए देखते हैं अगले एग्जांपल की तरफ। इसको भी साफ कर देते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, लेकिन आप जितनी बार लिखेंगे इन फार्मूलों को उतनी बार ये फार्मूले याद होते रहेंगे, ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि बार बार फार्मूलों को लिखते रहिए, जितनी बार आप लिखेंगे वही आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलिए अगला एग्जांपल हमारा, हम अगले एग्जांपल के लिए लेते हैं, अब देखिए आयंस का, अभी तक तो कोई आयंस दिया नहीं, चार्ज किसी पे नहीं दिया, अब बारी होगी आयंस यानी कि चार्जेस देने की, तो चलिए मान लेते हैं हम ले लेते हैं अपना एग्जांपल, हाँ H3O+ को ले लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन H3O+, ठीक है, तो अब इसमें शुरू करते हैं फिर से वही कैलकुलेशन, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दो कामा छह, यानी कि छह, और हाइड्रोजन के पास होते ही एक इलेक्ट्रॉन, तो बेचारा क्या करे, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते इसके पास, ठीक है, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, और ये पूरा करेगा क्या डुप्लेट, हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे अष्टक नहीं पूरा करना है हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे हमको हाइड्रोजन के सिर्फ डुप्लेट पूरा करना है, यानी दो इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखिए एक है ऑक्सीजन एटम, यानी कि ऑक्सीजन एटम हमारे पास एक है, और ऑक्सीजन एटम एक हुआ हमारे पास,
साथ में ये एक हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब तीन हाइड्रोजन है। तो अभी तो एक इसका ये है इसका वैलेंस सेल, ये इसका वैलेंस सेल। तो चलिए इलेक्ट्रॉन देखते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना कितना होगा। ऑक्सीजन के लिए 6 है, तो चलिए जोड़ते हैं इसको। ऑक्सीजन के लिए है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ठीक है। प्लस हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक, जो कि यहाँ पे है, लेकिन तीन हाइड्रोजन एटम है इसलिए तीन, तो कहने मतलब एक और गुड़े हुए तीन, तो बात करें कितना हो जाएगा, 6+3 यानी 6+3=9। तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो गए 9, ठीक है, 9 इलेक्ट्रॉन हुए। अब बारी आ गई इसके लिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसमें सेंट्रल एटम चूज करिए। सेंट्रल एटम चूज करने का तरीका, सबसे पहले लिस्ट नंबर को देखेंगे हम, लिस्ट नंबर किसका है, क्या ऑक्सीजन लिस्ट नंबर में या हाइड्रोजन। तो देखने से पता चल रहा है कि ऑक्सीजन हमारा लिस्ट नंबर में है, तो हम लिख लेते हैं पहले ऑक्सीजन को। अब इससे हम हाइड्रोजन के तीन एटम को जोड़ देते हैं, क्योंकि तीन हाइड्रोजन है, ठीक। तो कहीं भी आप हाइड्रोजन लिख सकते हैं, यहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए और यहां भी लिख दीजिए, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि तो तीनों सेम है, ओके। अब बारी आएगी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, हमने कहा कि एक एक बॉन्ड सभी से बना देते हैं, एक बॉन्ड इसका बना, एक बॉन्ड इसका और एक बॉन्ड इसका, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हो गए, तीन। देखिए इसको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने, दो गुड़े में तीन यानी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, ओके। तो इसने 6 इलेक्ट्रॉन तो हो गए बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे देख लेते हैं, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब 9-6 बचे कितने, तीन, यानी कि तीन इलेक्ट्रॉन ये जो बचे। गड़बड़ ये कि इसके पास चार्ज भी है ना। अरे चार्ज के लिए हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक तरीका भी बताया था कि जब चार्जेज आएंगे तब हम यहां से इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे और घटाएंगे, है ना। जब चार्जेज की बात आएगी तो पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से उसको घटाएंगे, उसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का हटना, है ना, इलेक्ट्रॉन का हटना। आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कहे तो ये चार्जेज वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के लिए हमको कहे तो हर समय सम इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, कहे तो इवन नंबर इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है लोन पेयर की, तभी तो लोन पेयर बनेगा, क्यों, क्योंकि एक लोन पेयर में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर तीन इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आ गया है तो क्या तीन इलेक्ट्रॉन को हम लोन पेयर में बांट सकते हैं, नहीं। इसलिए यहां से आप पता ये जानकारी मिल सकती है कि ना कुछ ऊपर गड़बड़ हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और घटेगा जो कि फार्मूले में था, प्लस चार्ज आने पे हम यहाँ से एक चार्ज घटा देते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को घटाएंगे तो यहाँ पे कितना होगा, -1, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ पे इतने, ठीक है, यहाँ से हमने घटाया कितने में से, 8 में से -6 इलेक्ट्रॉन को घटा दिया तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। अब ये स्ट्रक्चर सही है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हमको देना है कहाँ पे, सबसे पहले लोन पेयर बनाने के लिए। तो लोन पेयर हम कहीं बना सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन के पास लोन पेयर तो होता नहीं, और वैसे भी बात करें तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो चुका है, क्यों, क्योंकि एक एक बॉन्ड से जुड़ने का मतलब है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास इसका डुप्लेट पूरा, इसके पास इसका डुप्लेट पूरा, कहने का मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब बारी आएगी ऑक्सीजन एटम के लिए, यानी ऑक्सीजन एटम के लिए डुप्लेट की बारी आएगी, क्या, ऑक्टेट, इसके लिए डुप्लेट हाइड्रोजन, लेकिन ऑक्सीजन के लिए ऑक्टेट। तो देखिए ऑक्सीजन के पास अभी फिलहाल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, ये 2-4 और 2-6, यानी कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं। हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की भी संख्या कितनी है, 2, तो कहने का मतलब इसको अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देते हैं तो इसका अष्टक हो जाएगा पूरा, होगा ना, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इसका अष्टक हो गया पूरा, यानी इसके पास हो गए अभी की केस में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये स्ट्रक्चर सही है, बताइए, नहीं, क्यों, क्योंकि बीच पे चार्ज भी है, तो चार्ज ये कहां पे जाएगा। तो बात करें तो रूल अगर आप याद करें तो चार्जेज के लिए हमने बताया था कि जब हम पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है हर समय सेंट्रल एटम पे, अगर वही निगेटिव चार्ज आता तो वो होता है टर्मिनल एटम पे, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज आया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज को यहां पे देते हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है ऑक्सीजन पे, ठीक है। और ये पॉजिटिव चार्ज आप निकाल भी सकते हैं किससे, फार्मूले से, क्या फार्मूला था,
फॉर्मूला था हमारा फॉर्मल चार्ज बराबर कितना v माइनस l माइनस b के बटे में दो, यही था। तो इसे आप निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, छह, तो हम छह लिखते हैं, छह माइनस l यानी कि लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, दो हुए माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं, देखिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने, दो दो चार और दो छह, यानी कि छह हैं इसके पास बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी आ रहे हैं, छह ना है ना, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी इसके पास छह आ रहे हैं। तो छह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आने की वजह से देखिए क्या होगा, ठीक है, छह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आए तो छह के बटे में दो, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तीन, तो कितना आया, सिक्स माइनस टू माइनस थ्री यानी कि एक, है ना, ये एक चार्ज आया किसके लिए, हमने यहां पे निकाला है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन एटम के लिए हमने फॉर्मल चार्ज निकाला, तो ये आया कितना आया, एक आया, पॉजिटिव में है यानी कि ये प्लस चार्ज इस पे सुटेबल है, यानी कि इस पे प्लस चार्ज ही आएगा, ठीक है। इनके लिए आप निकाल सकते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, देखिए उसके लिए निकालते हैं फॉर्मल चार्ज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है एक माइनस लोन पेयर होता नहीं, बॉन्ड पेयर के लिए कितना, एक बॉन्ड बनाया है इसका मतलब दो के बटे में दो, एक आया था यानी वन माइनस वन बराबर जीरो, तो कहने का मतलब हाइड्रोजन पे कोई चार्ज नहीं जीरो, जबकि ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आया, तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर जो बना किसके लिए, एस थ्री ओ प्लस के लिए, ये बिल्कुल सही है, यानी कि ये लुईस स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है H3O प्लस के लिए, ठीक है, देख सकते हैं आप पूरा स्ट्रक्चर सब कुछ फॉर्मल चार्जेस के साथ सभी को, ठीक है। अब चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं कि अगला एग्जांपल कौन सा है, हम चार छह देख लेते हैं उसके बाद दो तीन दे देंगे आपको, आप लोग लगाइएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो में, आप कमेंट कर दीजिए ऑफलाइन कमेंट, ठीक है, हम उसको भी सॉल्व कराएंगे, आपको बताएंगे जो भी एग्जांपल आपका नहीं आएगा उसको। तो चलिए अगला एग्जांपल हम लेते हैं अपना, मान लीजिए प्लस का हमने करा दिया H3O प्लस का, अब एक माइनस की तरफ चलते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं NO3 माइनस, ठीक है, NO3 माइनस हम ले लेते हैं, देखिए अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं NO3 माइनस, यानी कि प्लस लगाया अब इसी के साथ एक माइनस भी हो जाए, है ना, प्लस तो हो चुका है इसी के साथ एक माइनस भी हम कर लेते हैं कि माइनस कौन सा होगा, ठीक है, NO3 माइनस, तो चलते हैं देखिए इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हमको वैलेंस इसका कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना होगा, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है कितना, दो कामा पांच, और ऑक्सीजन के लिए होता है दो कामा छह, ठीक है, दोनों के वैलेंस सेल कौन कौन से हुए, इसका ये, ओके जल्दी जल्दी, अब देखिए टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नाइट्रोजन है यानी कि क्या, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में पांच, ठीक है, फिर करते हैं प्लस ऑक्सीजन है तीन, तीन ऑक्सीजन है तो इसका मतलब तीन ऑक्सीजन है गुणे छह, यानी एक ऑक्सीजन के पास छह इलेक्ट्रॉन है तो तीन ऑक्सीजन मतलब छह तीन अठारह हो गए, और फिर अब इस पे एक चार्ज भी है, एक माइनस चार्ज है, हमने बताया था कि जब प्लस चार्ज होता है तब हम घटाते हैं, लेकिन जब माइनस चार्ज होता है तब हम जोड़ने का काम करते हैं, इसका मतलब प्लस वन, ठीक है, क्योंकि एक माइनस चार्ज है तो उसको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे हम कितना आएगा, पांच प्लस अठारह और प्लस एक यानी कि कितना हो गया, अठारह एक उन्नीस, उन्नीस और पांच चौबीस, चौबीस हुआ यानी कि चौबीस इलेक्ट्रॉन टोटल हुए हमारे पास जो हमको यूज करने हैं किसमें, स्ट्रक्चर को बनाने में, ठीक है, चौबीस इलेक्ट्रॉन हुए। अब बारी आएगी नंबर ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड कितने बनेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम चूज करेंगे कौन से एटम को हम सेंट्रल एटम माने, तो सबसे पहली बात कि जो लिस्ट नंबर में होंगे उन्हीं को सेंट्रल एटम, तो लिस्ट नंबर में कौन है, ओनली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है और ऑक्सीजन है तीन, तो हम सीधे सीधे नाइट्रोजन को मान सकते हैं, देखिए नाइट्रोजन को हमने सेंट्रल एटम माना, अब तीनों ऑक्सीजन को हमने लिख दिया, एक ऑक्सीजन दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है, तीनों ऑक्सीजन को लिखने के बाद एक एक बॉन्ड माने बनाया, एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से, एक बॉन्ड यहां से, तो
यहाँ पे कितना हो गया, दो और गुणे में कितने बॉन्ड बन गए, एक दो और तीन, यानी कि तीन बॉन्ड बने, तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तीन दो छह इलेक्ट्रॉन, यानी कि छह इलेक्ट्रॉन जो है, ये पहले 24 इलेक्ट्रॉन आए थे टोटल, इनमें से छह इलेक्ट्रॉन हमारे पास बॉन्ड वाले आ गए हैं। तो अब लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, देखिए 24 माइनस 6 यानी कितने 18, कहें तो टोटल नंबर ऑफ लोन पे इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ चुके हैं 18, ठीक है। अब इन 18 इलेक्ट्रॉनों के आने के बाद इनका यूज हमको कैसे करना है, पहले लोन पेयर और दूसरी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो चलिए लोन पेयर के लिए पहले यूज करते हैं, और किसका, टर्मिनल एटम के लिए लोन पेयर बनाएंगे, 18 है तो चलिए लोन पेयर बनाते हैं, मान लीजिए इसको, तो इसके लिए लोन पेयर बनाते हैं, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है, चार दो छह और दो आठ, इसका स्टेप हो गया पूरा, हुआ ना। इसके लिए चलते हैं, दो दो चार दो छह और दो आठ, इसका भी स्टेप पूरा, यहां पे दो है, दो चार और दो छह दो आठ, यानी कि इसका भी स्टेप हो गया पूरा। और स्टेप पूरा होने के बाद क्या 18 इलेक्ट्रॉनों का यूज हुआ, देखिए तीन दो छह छह और छह, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉनों का यूज यहाँ पे हो चुका है। क्या इसको हम सही कर सकते हैं, अभी नहीं, अभी यहाँ पे चार्ज भी है, ठीक। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन तो हो गए, और बात करें तो ये निगेटिव चार्ज कहाँ पे होता है, हमारे टर्मिनल एटम पे, बात हुई थी पहले ही, यानी पहले ही रूल में लिखा दिया गया है। लेकिन अब बारी होगी कि हम सेंट्रल एटम के पास चले, क्या सेंट्रल एटम का अष्टक पूरा है, पूछना तो पड़ेगा सेंट्रल एटम से भी, तो क्या इसका अष्टक पूरा है, देखिए कितने इलेक्ट्रॉन, दो दो चार और दो छह, यानी कि इसके पास टोटल छह इलेक्ट्रॉन ही है, जबकि होना कितना चाहिए, कम से कम आठ इलेक्ट्रॉन, आठ से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन आठ इलेक्ट्रॉन से कम किसी भी हालत में नहीं होगा सेंट्रल एटम पे, ठीक है। तो इसके पास कितने होंगे, देखिए ये बात तो हुई थी लोन पेयर, अब बारी हम करेंगे क्या डबल बॉन्ड बना के हम इसका स्टेप पूरा कर सकते हैं, होगी ना बात, कि क्या डबल बॉन्ड बना के हम इसका स्टेप पूरा कर सकते हैं, अगर हाँ तो किसी एक को मिटा देते हैं, इसको गायब कर देते हैं, गायब करने के बाद यहां से एक बॉन्ड बना देते हैं, हमने यहां से बनाया बॉन्ड, अब क्या अष्टक पूरा हुआ किसी का, देखिए किसका अष्टक पूरा हो रहा है, दो दो चार और चार आठ, यानी ये जो बॉन्ड बना है साझे का है, यानी चारों इलेक्ट्रॉन इसमें भिगने जाएंगे और यही चारों इलेक्ट्रॉन इसमें भिगने जाएंगे, तो कितना इसका अष्टक हो गया पूरा, आठ इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए पूरे, चार चार आठ, इसके तो पूरे थे पहले से ही, इसके लिए क्या इसका पूरा हुआ, दो दो चार और ये चारों, यानी कि इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे, ठीक है, और इसके भी पहले से ही आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, इसके भी आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ठीक है, यानी सभी के चारों जितने एटम्स यूज हुए, कंबाइनिंग एटम जो है, जो मिल करके मॉलिक्यूल का बना निर्माण कर रहे हैं, उन सभी के अष्टक पूरे हैं। अब इनके स्टेप पूरे होने के बाद बात है अभी चार्जेज की, अब इनपे हमको चार्जेज निकालना है, तो पहले बताया कि माइनस चार्ज जो होता है वो टर्मिनल एटम पे होता है, लेकिन अब इनपे सभी पे चार्जेज निकालना है कि चार्जेज किस पे कितना आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों सेम है तो पहले इन्हीं का निकाल लेते हैं, नामकरण कर देते हैं, ठीक है, नामकरण करते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं कितना, इसको मान लेते हैं पहला, देखिए इसको हम फर्स्ट कह देते हैं, इसको सेकंड कह देते हैं, इसको हम इसी को थर्ड मान लेते हैं, इसको हम कहते हैं ये फोर्थ वाला है, यानी फोर्थ एलिमेंट हमारा ये है, ठीक है। अब ये चार एलिमेंट हो गए, अब हमको देखना है, यानी चार एटम हुए, अब एक एक पे निकालते हैं, दोनों सेम है तो इसको हम फॉर्मल चार्ज लिख सकते हैं, कितना फर्स्ट का बराबर होगा सेकेंड के, और बराबर करके फॉर्मल चार्ज लिखते हैं, ठीक है, यानी वैसे ही फर्स्ट बराबर है सेकेंड के, तो फॉर्मल चार्ज कितना होगा इसी के लिए है, इन दोनों के लिए, तो फॉर्मल चार्ज कितना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड के बटे में दो, ये तरीका है, ठीक है। अब निकालिए कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, छह, तो कहने का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके पास छह, माइनस होगा कितने लोन पेयर हैं, दो दो चार दो छह, यानी और लोन पेयर तो तीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने छह, तो छह और माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं, एक एक किसने भी एक किसने भी, इसका मतलब एक बॉन्ड बना है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन है बटे में दो, तो ये कट के कितना आएगा वन, तो ये कितना आ गया सिक्स माइनस सिक्स और माइनस में वन, कितना हुआ, तो
कितना आएगा ये बराबर माइनस वन, यानी कि एक माइनस का एक चार्ज आ गया किसके ऊपर, इस वाले के भी ऊपर और इस वाले के भी ऊपर, एक एक माइनस का चार्ज आया, आया ना एक एक माइनस का चार्ज, तो एक एक माइनस चार्ज इनको दे देते हैं, एक माइनस का चार्ज इसको देते हैं और एक ही माइनस का चार्ज हम दे देते हैं इसको, ठीक है। नीचे ऊपर कहीं भी चार्ज देखते हैं, वो चार्ज है बस पता रहना चाहिए। चलिए पता होने के लिए इसको गोला बना देते हैं ताकि ये अच्छे से दिखे, ठीक है। ये एक माइनस चार्ज इन दोनों के ऊपर हो गया। अब बारी आएगी थर्ड एटम के लिए, चाहे क्या थर्ड एटम के पास भी कोई चार्ज होगा, है ना, देखते हैं थर्ड एटम के लिए। तो वही थर्मल चार्ज किसके लिए है, एक थर्ड एटम के लिए, ठीक है। तो कितना V माइनस L माइनस B के बटे में दो, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन है छह माइनस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन छह हुआ, ठीक है, मार्कर थोड़ा सा हल्का हो गया है, छह माइनस। लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो चार इलेक्ट्रॉन, और माइनस बॉन्ड कितने बनाए हैं इसने, दो बॉन्ड। दो बॉन्ड बनाने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चार, तो चार के बटे में दो, यानी कि ये कट के आएगा दो, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, मतलब फर्मल चार्ज सिक्स माइनस फोर माइनस टू, तो चार दो छह, यानी कि छह जीरो हुआ ना, छह माइनस चार माइनस दो जीरो हो गया, तो कहने का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा, वो जीरो होगा, ठीक है, तो ये जीरो हुआ। अब बारी आएगी कि नाइट्रोजन पे कितने चार्ज आएंगे, चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन के भी निकालते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ठीक, तब नाइट्रोजन के लिए यहीं पे निकाल लेते हैं। तो क्या हमको बात करनी है नाइट्रोजन के लिए, ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लिए फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, किसी के लिए भी हो, तो क्या V माइनस L माइनस B के बटे में दो, तो इसको निकालिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं नाइट्रोजन के पास, पांच हैं, ये दिख रहे हैं, तो पांच माइनस, क्या कोई लोन पेयर दिख रहा है नाइट्रोजन को हमने दिया हो, नहीं ना, तो इसका मतलब नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर नहीं, जीरो माइनस। बॉन्ड कितने नाइट्रोजन ने बनाए हैं, देखिए दो एक तीन एक चार, यानी कि टोटल चार बॉन्ड नाइट्रोजन ने बनाए हैं, तो चार बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने, आठ, और आठ के बटे में दो, ठीक है, तो इसको काटा गया तो ये हो गया चार, यानी पांच माइनस चार, पांच माइनस चार आने के बाद कितना आएगा, एक, यानी पांच में से चार को घटाएंगे तो कितना, एक, यही था क्या हमारा, ये चौथा आइटम था, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं ताकि पता रहे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन आया, यानी एक थर्मल चार्ज आया, वो भी पॉजिटिव, तो कहने का मतलब नाइट्रोजन को हमने एक पॉजिटिव चार्ज दे दिया। नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज देने के बाद देखिए ये स्ट्रक्चर बना इसका, देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर बना किसके लिए, NO3- के लिए, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है NO3-, ठीक है, NO3- के लिए ये स्ट्रक्चर कंप्लीट। लेकिन क्या इस तरीके से स्ट्रक्चर को दिखाना सुटेबल होगा, यानी बढ़िया होगा, अच्छा लगेगा, इसे एक चार दो चार तीन चार, यानी तीन तीन जगहों पे इसको भी गोले घेरे में कर देते हैं ताकि दिखे साफ साफ, ठीक है। तो इन तीनों चार्जेस के साथ देना इसको सही होगा, नहीं ना, हम नेट चार्ज यहाँ पे दिया जाता है सिर्फ एक चार्ज, सभी को जोड़ करके एक चार्ज दिया गया माइनस वन, क्यों, क्योंकि दो माइनस चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए इसका जो सुटेबल स्ट्रक्चर होगा वो भी देखिए कैसा होगा, सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर इसका होगा, देखिए पहले एक बॉन्ड ऊपर बना देते हैं, एक बॉन्ड से ही नीचे और एक बॉन्ड इधर है, ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक बॉन्ड और बनेगा, एक बॉन्ड और बना, और क्या है इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास दो लोन पेयर है, देखिए दो लोन पेयर हूं उसके पास, फिर इसके पास तीन लोन पेयर है और इसके पास भी तीन लोन पेयर है, तीन तीन लोन पेयर दोनों के पास है, तीन तीन लोन पेयर दे देते हैं, एक दो, तीनों लोन पेयर दे दिया हमने तीनों को, ठीक है, तीन लोन पेयर देने के बाद इसको भी तीन लोन पेयर, तीन लोन पेयर, ठीक है। अब चार्जेस की बारी आएगी कि तीनों पे चार्जेस थे, लेकिन क्या अब किस पे चार्ज आएगा, ठीक है, ऊपर दिख रहा, ठीक, तो कितना चार्ज आएगा देखेंगे, एक चार्ज इससे कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस एक खत्म, एक ही चार्ज बचा सिर्फ एक, यानी कि एक ही माइनस चार्ज हमारा बचेगा, तो किसी को भी हम माइनस चार्ज दे सकते हैं, मान लीजिए हम इसको दे देते हैं,
ठीक है, इसका कैंसिल करके उसको दे देते हैं, ये स्ट्रक्चर होगा सबसे बेस्ट हैविंग, सबसे बेटर स्ट्रक्चर हमारा यही होगा। क्या यानी वो थ्री माइनस के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर हमारा ये बनेगा, दूसरा कोई बेस्ट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता ये नो थ्री माइनस के लिए। ठीक है, ये कंप्लीट होता है किसका, एनओ थ्री माइनस का स्ट्रक्चर। ठीक है, आप बना सकते हैं, सभी के फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं पूरी पूरे तरीके से। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले एग्जांपल की तरफ। अगला एग्जांपल कौन ले सकते हैं हम? ठीक है, तो आप लिखते रहिएगा, यानी नोट्स बनाते रहिएगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, पूरा साफ कर देते हैं एक बार फिर से। चार पांच एग्जांपल तो हो गए हमारे, है ना। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं एक कोई सल्फर कंपाउंड ले ले, जहां से आपको मैक्सिमम कोवेलेंसी, है ना, कोवेलेंसी को भी हमने यूज नहीं किया, कोवेलेंसी से भी मैक्सिमम बना रहे। चलिए तो एक एग्जांपल में लेते हैं, यस ओ थ्री और टू माइनस। चलिए ठीक है, यस ओ थ्री टू माइनस इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। तो सल्फर के लिए कितनी होती, यानी सल्फर के लिए कितना होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? देखिए सल्फर के लिए बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 16 के लिए 2 8 और 6, है ना, 2 8 और 6, यानी 8 2 10 और 6 16। इसी तरीके से ऑक्सीजन का कितना है, 2 कामा 6, ठीक है, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अब देखेंगे हम वैसे ही लिखेंगे, क्यों था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, एक सल्फर है यानी कि 6 प्लस 3 है ऑक्सीजन, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 और 3 18, यानी कि 3 गुणे में 6 बराबर करके और क्या 18 हुआ। अब चार्ज कितने हैं, 2 माइनस चार्ज है इसके पास, जब 2 माइनस चार्ज है तो यहां पे हम 2 को जोड़ेंगे ना, 2 को हमने जोड़ा, तो 2 को जोड़ने के बाद कितना आएगा, देखिए 6 3 18, 18 और 2 20 और 20 और 6 26, यानी कि टोटल 26 में, यानी कि 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल जिनका हमको यूज करना है। ठीक है, अब अगली बार हमने क्या कहा था, हम निकालेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए क्या था, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कितना, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स हुए। ठीक है, स्याही थोड़ी सी कम कर लीजिए, स्याही डाल लेते हैं, 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं। अब 2 गुणे नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बाद हमको बनाना है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखेंगे अब हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, लेकिन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए, यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सबसे पहले हमको नंबर ऑफ बॉन्ड्स खोजना पड़ेगा, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनेंगे, और नंबर ऑफ बॉन्ड्स खोजने के लिए यानी बनाने के लिए हमको इसमें से सेंट्रल एटम खोजना होगा, सेंट्रल एटम के बाद ही हम बनाएंगे, तो सेंट्रल एटम कौन सा होगा, तो पहले क्या लिस्ट नंबर में देखेंगे, लिस्ट नंबर में कौन सा है, ये है सल्फर, सल्फर लिस्ट नंबर में, तो सबसे पहले सल्फर को लिखते हैं सल्फर। ठीक है, सल्फर को लिखने के बाद हम अब बॉन्ड बनाना है हमको कितने के साथ, 3 ऑक्सीजन एटम के साथ हमको बॉन्ड बनाना है, तो 3 ऑक्सीजन एटम लिख लेते हैं कहीं भी, एक यहाँ पे लिख लेते हैं, एक यहाँ पे और एक ही यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बताया था कि तीनों लिखने के बाद एक एक बॉन्ड सभी से खींच देते हैं, एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, तो कितने यहाँ पे संख्या कितनी आएगी, कितनी संख्या आ जाएगी, 2 गुणे में 3 बॉन्ड है, यानी कि बराबर करके 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन हमको बॉन्ड पेयर में आए। ठीक है, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, क्यू माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू कितने हैं, क्यू की संख्या 26, यानी कि 26 और माइनस इसकी संख्या कितनी है, 6, यानी कि टोटल संख्या हो गई 20 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 20 इलेक्ट्रॉन जो है उनको हमको देना है लोन पेयर के रूप में। ठीक है, यानी 20 इलेक्ट्रॉनों को हमको लोन पेयर के रूप में इस पे
रखना है। तो अब लोन पेयर ग्रुप में हम 20 इलेक्ट्रॉन को रखेंगे कैसे, उसको भी देख लेते हैं। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रूप में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए हमने बात की कि सबसे पहले हम टर्मिनल एटम के पास चलेंगे कि भैया कुछ इलेक्ट्रॉन ले लो लोन पेयर वाला, ठीक है। क्योंकि जब कुछ इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला लेंगे तभी तो संख्या कम होगी और हमारे सभी इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होंगे इस पे। तो देखिए सबसे पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी इसी से शुरुआत करते हैं, दो। तो इसको लोन पेयर देके इसका 8 पूरा करते हैं। देखिए 2 4 हुए, 2 6 और 2 हो गए 8, ठीक है 8 पूरे हुए ये। इनका 8 पूरा होने के बाद इनके पास चलते हैं, 2 इसके पास पहले से हैं, 2 4 और 2 6 और इसी के साथ 2 8, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गए। ओके देखेंगे 8 इसके भी पूरे, 8 इसके भी पूरे। अब बचा कौन सा टर्मिनल एटम, ये इसके पास 8 पूरा करते हैं। तो कितने, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, यानी 12 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए हैं इसके पास। चलिए पूरा करने के लिए, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, तीन लोन पेयर, यानी तीन लोन पेयर देने से 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया गया, 6 उसको और 6 इसको, यानी कि टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिए और सभी के अष्टक भी हो गए पूरे, अष्टक सभी के पूरे और सभी के पास 6 इलेक्ट्रॉन भी हो चुके हैं, ठीक है। अब बारी आएगी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं हमारे पास, 18 हो गए लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन और बच रहे हैं ना, तो उनके लिए क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का फिर सेंट्रल एटम को दे देते हैं। भाई हमारे पास फाजिल है तो क्या करेंगे हम, हमने सेंट्रल एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक कोई दिक्कत नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को देने के बाद अब बारी आएगी कि अब देखें क्या अष्टक इसका पूरा हुआ, भाई अष्टक इसका पूरा हुआ देख सकते हैं, देखिए क्या अष्टक पूरा हो गया है, 2 2 4 2 6 2 8, 8 पूरा हो गया, यानी अष्टक इसके हो गए टोटल पूरे। लेकिन क्या अष्टक पूरे होने से काम चलेगा हमारा, अष्टक तो पूरे कर दिए हमने, क्या अष्टक पूरे होने से काम चलेगा, अभी भी इसकी कोवेलेंसी कितनी होगी। हमने पढ़ा है कि सल्फर के लिए कोवेलेंसी जो होती है, सल्फर की कोवेलेंसी जो होती है मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है, 2 4 और 6, यानी कि इस तरीके का बॉन्ड ये बना सकता है, 2 4 और 6, या तो 2 बॉन्ड बनाएगा या तो 4 या तो 6, है ना, सल्फर के लिए हमने पढ़ा था। तो सल्फर के लिए ये कोवेलेंसी हमने पढ़ी, तो क्या कोई कोवेलेंसी इसकी कितनी है, अभी 3, यानी तीन के साथ ही ये बना हुआ है, यानी 3 बॉन्ड इसने बनाया है। क्या करेंगे हम, 4 बॉन्ड की तरफ चलेंगे, क्या ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तभी हमारा स्ट्रक्चर सही होगा। ये कोवेलेंसी वाला फॉर्मूला वाली कोवेलेंसी वाली बात यहीं पे देखेंगे हम, ठीक है। हर जगह पे, हर एटम पे हम कोवेलेंसी देख सकते हैं कि कौन सा मैक्सिमम कोवेलेंसी में उसकी हो रही है, सेट हो रही है कि नहीं। यहाँ पे क्या इसकी कोवेलेंसी 4 सेट हो सकती है, देखिए क्या इसकी कोवेलेंसी हम 6 कर सकते हैं, सभी से अगर 2 2 जोड़ दें तो कितनी कोवेलेंसी हो जाएगी, 2 2 4 2 6 6 कोवेलेंसी हो जाएगी। लेकिन ऐसा संभव, ऐसा होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 6 कोवेलेंसी होने से सभी से हमको 2 2 बॉन्ड जुड़ जाएंगे सभी से, है ना, लेकिन क्या चार्जेस तब हम दे पाएंगे, अगर सभी से 2 2 बॉन्ड बना दें हम तो क्या इसमें हम चार्जेस दे पाएंगे, जो चार्ज 2 दिया गया माइनस वो दे सकते हैं हम, नहीं दे सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब चार्जेस नहीं दे सकते हैं, इसलिए क्यों, क्योंकि 2 चार्जेस हैं तो किसी एक पे 2 चार्ज होगा नहीं, अलग अलग पे एक एक पे होगा, एक इस पे होगा, एक इस पे, या एक इस पे, एक इस पे, या एक इस पे और एक इस पे, किसी 2 पे चार्जेस होंगे। तो कह सकते हैं कि एक को डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और दोनों पे चार्जेस दे देते हैं, देखेंगे चार्जेस निकलेंगे भी कैसे, ठीक। तो किसी एक को मान लीजिए इसको हम साफ कर देते हैं यहां से और यहां पे बना देते हैं हम एक बॉन्ड, ठीक है, इस पे हम बनाते हैं एक बॉन्ड, ये हो गया बॉन्ड। तो बॉन्ड बनने से अब ये स्ट्रक्चर सही हुआ, स्ट्रक्चर सही हुआ, लेकिन अब देखेंगे कि क्या चार्जेज किस पे जा रहा है, यानी जो चार्ज ये 2 जाएंगे वो किस पे जाएंगे। अब चार्ज हम निकालते हैं सभी पे, वैसे याद हो तो हमने जहां पे निकाला, जहां पे ये ऑक्सीजन एटम 3 लोन पेयर के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, वहां पे हमने देखा है कि इस पे एक माइनस चार्ज होता है। आपने अगर गौर किया, हमने ध्यान दिया अभी तक जितने स्ट्रक्चर हमने पढ़े, जहां भी ऑक्सीजन एटम एक बॉन्ड के साथ 3 लोन पेयर रख रहा है वहां पे ऑक्सीजन पे एक माइनस चार्ज आया है। ना विश्वास हो तो निकाल लेते हैं हम, देखिए थर्मल चार्ज निकालते हैं, कौन सा फार्मूला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के बटे में 2, ये फार्मूला देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखेंगे हम कितने फॉर्मल चार्ज इस पे कितना आ रहा है, इसके लिए है, ठीक है, नंबरिंग कर सकते हैं, मान लिया हमने नंबरिंग कर दी,
पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है, चौथा एटम वो। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कितना कितना, देखिए इसके लिए हम निकालेंगे किसके लिए, पहले के लिए, और पहला बराबर है किसके लिए, दूसरे के लिए भी बराबर है, पहला दूसरा दोनों बराबर है, ठीक है। तो कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हमारे रहे 6, यानी कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन में। तो 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर के, है ना। तो हमने यहाँ पे लिखा 6 और माइनस बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के, मतलब 2 और बटे में 2 कट के 1 आया। तो कहने का मतलब 6 माइनस 6 माइनस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, यानी कि ये -1 चार्ज आ गया हमारा, इसके लिए भी -1 चार्ज और इसके लिए भी -1 चार्ज आया ना। तो दे देते हैं एक माइनस चार्ज इसको और एक ही माइनस चार्ज इसको, क्योंकि दोनों सेम आइडेंटिकल हैं, तो -1 चार्ज हो गया। और इस तरीके से हमारे जो -2 चार्जेज हैं वो पूरे भी हो गए, -1 चार्ज यहाँ पे, -1 यहाँ पे, नहीं टोटल -2 चार्जेज पूरे। इस पे क्या चार्ज आएगा, तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको, कि जब कभी भी ऑक्सीजन एटम 3 लोन पेयर और एक सिंगल बॉन्ड के साथ होगा तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि व्हेन एंड ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट विथ 3 लोन पेयर एंड 1 बॉन्ड देन 1 नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, यानी कि एक नेगेटिव चार्ज इस पे प्रेजेंट होगा। और जब 2 के साथ होगा, 2 के साथ देख सकते हैं, देखिए इसके लिए, देखिए हम फॉर्मल चार्ज निकालते हैं इसके लिए है, ठीक है। तो क्या वी माइनस एल माइनस बी के बटे में 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 ही, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 2, 2, 4, यानी कि 4, और माइनस बॉन्ड पेयर कितने कितने बॉन्ड बनाए हैं 2 बॉन्ड, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और बटे में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 6 माइनस 4 और माइनस 2, तो कहने का मतलब 0 0 आया ना, देख सकते हैं आप 0 आया इसके लिए फॉर्मल चार्ज, तो इस पे कोई चार्ज नहीं, ओके। सल्फर के लिए चले, तो देखिए सल्फर के लिए भी निकालते हैं हम सल्फर, तो सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, सल्फर के लिए फॉर्मल चार्ज हम निकाले तो कितना आएगा, देखिए क्या फॉर्मूला, वही V माइनस एल माइनस बी के बटे में 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के पास कितने हैं 6, तो हमने लिखा 6 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने सल्फर के पास यहाँ पे स्ट्रक्चर में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और माइनस बॉन्ड कितने सल्फर ने बनाया देख लीजिए 2, 1, 3, 1, 4, यानी सल्फर ने टोटल 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो 4 बॉन्ड सल्फर के देख लेते हैं, तो 4 बॉन्ड बनाने की कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी सल्फर को, 8 इलेक्ट्रॉनों की, यानी कि 2 में से -8 के बटे में 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 4, इसको काटेंगे तो 4 होगा, और 4 यानी कि 6 माइनस 2 माइनस 4, आगे देख लेते हैं पे 6 माइनस 2 माइनस 4, यानी कि टोटल कितना आएगा 0, यानी सल्फर के पास भी जो चार्ज आया फॉर्मल आवेश से आया सल्फर का वो आया 0, 0 आया सल्फर के पास भी। तो ये स्ट्रक्चर इसका रहा, देखिए ये स्ट्रक्चर बना है सल्फर के लिए, यानी इस पूरे SO3 2- का स्ट्रक्चर ये रहा, 1, 2 चार्ज हो गए और ये सब न्यूट्रल, यानी अगर इसको सीधे सीधे बनाए, इसका स्ट्रक्चर अगर हम सीधे सीधे बनाए, देखिए क्या बना सकते हैं इसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखें सल्फर एक डबल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से ओ, सिंगल बॉन्ड से ओ, और इस पे एक माइनस, इस पे एक माइनस, इस पे लोन पेयर कितना 1, 2, 3 लोन पेयर, इस पे भी 3 लोन पेयर, 1, 2 और 1, 3 लोन पेयर, इससे कितना 2 लोन पेयर, यानी कि ये पूरा, और इस सल्फर पे भी 1 लोन पेयर है, ठीक है, सल्फर पे भी हमारा 1 लोन पेयर उपस्थित है। तो कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर होगा किसके लिए, ये स्ट्रक्चर है SO3 पे 2- के लिए, ठीक है, SO3 पे 2- के लिए वो स्ट्रक्चर हमारा है, सुटेबल है, सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे बेस्ट संरचना SO3 की ये होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम इतने सारे एग्जांपल्स हम देख चुके हैं, ठीक है, इतने सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, और सभी के आसान, हमने देखा कि सब आसानी से बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, और उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप
वापस रिपीट करके देख सकते हैं इसको, ठीक है। दो पॉइंट्स आपको और लिखा देता हूँ। जैसे मान ली हमने बात की किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, कि जब ऑक्सीजन के पास ये कंडीशन ऑक्सीजन के लिए होगी तब इसके पास एक चार्ज होगा, ठीक है, और जब ऑक्सीजन के लिए ये वाली कंडीशन होगी तब इसके पास कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अभी हमने एक कंडीशन और देखा था, क्या H3O प्लस का, जब O तीन ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा था। देखिए यहाँ पे जब ऑक्सीजन तीन बॉन्ड बना रहा था तब इस पे एक चार्ज भी आया था, प्लस चार्ज, ठीक है, क्या तीन बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन, जब भी हमने किसका H3O प्लस का ही पढ़ा था ना, H3O प्लस का, तब ये तीन बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर रख रहा था, है ना, तीन बॉन्ड बनाया था और ये इसके एक प्लस चार्ज हमने दिया, और क्या था इसके पास एक, देखिए इसके पास एक लोन पेयर भी था। इस कंडीशन में इसने एक प्लस चार्ज अपने पास कंजर्व किया, यानी एक इसको लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से इस पे इन्होंने एक लोन पेयर और तीन बॉन्ड के साथ एक पॉजिटिव चार्ज भी रखा अपने पास। और इसी तरीके से अगली कंडीशन क्या बनी थी ऑक्सीजन के लिए, देखिए ऑक्सीजन ने एक कंडीशन और रखी, इसने किया ये वाली कंडीशन, तीन लोन पेयर एक बॉन्ड, तीन लोन पेयर एक बॉन्ड, तब इसके पास क्या एक निगेटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज। अगली कंडीशन क्या है, ये वाली, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड, दो बॉन्ड या दो बॉन्ड कहीं बना सकता है, इधर उधर कहीं भी, है ना, दो लोन पेयर और दो बॉन्ड, तब इस पे क्या कोई चार्ज रहा, कोई भी चार्ज नहीं रहा ना, यानी कि तब इस पे कोई चार्ज नहीं आया, इसने सिंपल तरीके से, यानी सिंपल एकदम ऐसे ही बना रहा, कोई चार्ज नहीं। लेकिन यहाँ पे जब तीन बॉन्ड एक लोन पेयर तब एक चार्ज, तीन लोन पेयर एक बॉन्ड तब एक माइनस चार्ज, और जब दो लोन पेयर के साथ दो बॉन्ड भी है तब कोई चार्ज नहीं। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा साफ करके बताएं, आपको नाइट्रोजन के लिए समझ सकते हैं, नाइट्रोजन के लिए आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए भी केस बनती है जब नाइट्रोजन ये वाली केस में रहता है चार बॉन्ड, अभी हमने देखा था, हाँ शायद देखा था, जब उसपे हमने एक प्लस चार्ज दिया था, ठीक है, जब उसपे हमने एक प्लस चार्ज दिया था किसमें, वो एग्जांपल था हमारा NO3, है ना, NO3 माइनस वाला, ये वाला एग्जांपल था हमारा NO3 और माइनस, तब हमने इस पे एक प्लस चार्ज दिया था, यानी जब नाइट्रोजन इस केस में होगा तब इस पे एक प्लस चार्ज होगा, ठीक है। तो ये पूरी बात थी लुईस स्ट्रक्चर के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको लुईस स्ट्रक्चर बहुत अच्छे समझ में आएगी। दो तीन एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप कोशिश कीजिएगा बनाइएगा, अगर नहीं बनेगा तो बताइएगा, हम बनाएंगे, करेंगे तो हम उसको दे देंगे आपको, सॉल्व करा देंगे, ठीक है। जो भी एग्जांपल आप कमेंट करेंगे उसको हम बता देंगे, देख सकते हैं आप, ठीक। और दो तीन एग्जांपल और आपको दे सकते हैं, दे दीजिए, देखिए अभी दो तीन एग्जांपल आपको दे देते हैं, आप उसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा, यानी कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताएंगे और भी, ठीक है। लेकिन इन्हीं पे आधारित बनाइए एकदम, इसी तरीके से कोई गलती ना कीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए SO3 का हमने देख लिया, हम देख लेते हैं SO4 का, SO4 टू माइनस, ठीक है। इसको लगाने के लिए देखिए क्या हमने, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने होंगे, इस सल्फर के लिए कितने होते हैं 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के लिए भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 6 प्लस 6 गुणे में 4 और प्लस, प्लस क्यों, क्योंकि दो निगेटिव चार्ज भी है, ठीक है, दो निगेटिव चार्ज होने की वजह से प्लस लगाएंगे हम, ये हमारा कंपाउंड है, ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल ये है, तो दो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और जोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 चौके 24, 2 26 और 6 32, ठीक है, ये हो गए हमारे 32 इलेक्ट्रॉन। तो अब 32 इलेक्ट्रॉन हुए, अब हमको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 32 में, तो हम कैसे बनाएंगे, यस इससे एक एक जोड़ देंगे ऑक्सीजन, हुआ एक एक जोड़ा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, देखिए 2 गुणे में 4 बॉन्ड बनाए, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो गए। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने बचे, कितने में 32 और माइनस में 8, यानी कि टोटल कितने आ गए 2 और 6 24 इलेक्ट्रॉन, यानी 24 इलेक्ट्रॉन टोटल हमारे हुए लोन पेयर के। तो चलिए अब इसको बांटते हैं, इन 24 इलेक्ट्रॉनों को इनके पास बांटते हैं, यही तरीका है ना, 2 2 4 और 2 6, 2 8 2 10 और 2 12 हुए, यहां भी 12 2 14 2 16
दो 18, दो 20, दो 22 और दो 24, ठीक है, यानी 24 इलेक्ट्रॉन तो हो गए सभी एक मॉडल के, ठीक है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर सही नहीं, हमने 24 इलेक्ट्रॉन भले ही दे दिया लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर सही है? हमने भी एक बात बताई कि जहां पे ये ऑक्सीजन एटम एक बॉन्ड और तीन लोन पेयर के साथ होगा वहां पे एक निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम सभी पे वही कंडीशन है, अगर सभी पे हम एक एक इलेक्ट्रॉन दे दें यानी एक एक निगेटिव चार्ज दे दें तो यहाँ पे चार्ज जो दो दिखाया जा रहा है, ये जो दो चार्ज है ये कितना हो जाएगा? चार, लेकिन होना कितना चाहिए? दो। तो इसलिए हम डबल बॉन्ड बना देते हैं। डबल बॉन्ड बनाएंगे तो अभी दो चार्ज आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और दो लोन पेयर के साथ होता है, यानी दो बॉन्ड और दो लोन पेयर के साथ होगा, तब उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि दो चार्जेज को खत्म करने के लिए, यानी जो माइनस चार और उसको माइनस दो करने के लिए दो जगहों पे हम लोन पेयर बना देते हैं। मान लीजिए हम बॉन्ड बनाते हैं, एक बॉन्ड यहाँ पे बना देते हैं, एक ये था, एक ये यहाँ पे बना देते हैं, तो एक लोन पेयर यहाँ से हटाएं, एक लोन पेयर यहाँ से हटाएं। भाई लोन पेयर मतलब बॉन्ड अपने पास तो बनाएंगे नहीं, जो 24 इलेक्ट्रॉन आए थे उन्हीं को बांटा हमने, 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे, यानी 12 4 16 और ये 2 इस यहाँ पे हो जाए, 16 2 18 4 22 और 2 यहाँ पे, यानी 22 और 2 24, यानी टोटल 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 24 इलेक्ट्रॉन होने के बाद अब देखिए क्या, और मैक्सिमम कोवेलेंसी भी यहाँ पे सल्फर की कितनी हो गई? हमने बताया था कि सल्फर की कोवेलेंसी होती कितनी है? सल्फर की कोवेलेंसी होती है 2, 4 और 6, तो मैक्सिमम कोवेलेंसी इसकी 6 है, तो इसने 6 कोवेलेंसी यहाँ पे धारण कर ली, 2, 3, 2, 5 और 1, 6, ठीक है। और अब जब थर्मल चार्ज आप निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज जो भी इतने बार हमने निकाला, तो आपको यहाँ पे इसका एक माइनस मिलेगा, मतलब इस पे एक माइनस चार्ज आएगा, इस पे भी एक माइनस चार्ज आएगा। क्यों? हमने प्रैक्टिस करके देखा कि यहाँ पे तीन लोन पेयर एक बॉन्ड, वहां पे एक माइनस चार्ज ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, जहां पे दो लोन पेयर और दो बॉन्ड तो कोई चार्ज नहीं। तो ये किसके लिए है हमारा स्ट्रक्चर? ये सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होगा किसका? यस O4 2- का, ठीक है, यस O4 2- का सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर। और बात करें तो इस बेस्ट संरचना में जो ऑक्टेट रूल है वो सेंट्रल एटम के लिए तोड़ा गया है। देखिए कितने इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फाइनली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताइए? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 4 2 6 और 6 और 4 10, 10 और 2 12, यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन है। कह सकते हैं ना कि अष्टक नियम को इसने तोड़ दिया है, कह सकते हैं मोर इलेक्ट्रॉन, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन ना, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्टेट रूल को इसने तोड़ दिया है अपने लिए, ठीक है। तो कहने का ये पूरा था लुईस स्ट्रक्चर। अब आप बनाएगा जो भी मॉलिक्यूल आपको मिलेगा, आप उन सभी के लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, और जो ना आएगा आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको बताने का पूरा प्रयत्न करेंगे, ठीक है, तो आप बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, तो ये था हमारा पूरा लुईस स्ट्रक्चर। हमने पिछले वीडियो में लुईस स्ट्रक्चर के बारे में देखा, तो उसमें 2 एग्जांपल पढ़े थे, लेकिन आज वाले वीडियो में टोटल हमने एग्जांपल पढ़ा है। अब इन एग्जांपल्स को आप लगाइए, और भी जो मॉलिक्यूल आपको मिले उनका भी एग्जांपल लगाइए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, एक अगली टॉपिक जो हमारी होगी उसके साथ, ठीक है। जो अगली टॉपिक हमारी है शायद वो ऑक्टेट रूल का लिमिटेशंस, यानी ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस है, कहां पे ऑक्टेट रूल फेल हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद।